दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना महामारी के फैलने की वजह से लॉकडाउन में फंसे मजदूर लगातार घर वापस हो रहे हैं। कई प्रदेशों की सरकार के द्वारा उनके लौटने के इंतजाम किए गए हैं, तो कई प्रदेशों की सरकार अब तक सजग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आज भी मजदूरों को पैदल चलकर अपने घर लौटना पड़ रहा है। आसाम और पश्चिम बंगाल से एमपी जा रहे लगभग 1000 मजदूर पैदल चलते हुए पूर्णिया के बैसी पहुंचे। यहां पहुंचते पहुंचते उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनके पास न खाने के पैसे हैं, न ही जाने के लिए कोई संसाधन। हार कर उन लोगों ने सड़क जाम कर दिया ताकि सरकार उनकी मांगों को समझ सके और उनके घर जाने का इंतजाम हो सके। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वे कई दिनों से भूखे थे। 2 दिनों तक चलने के बाद वे लोग यहाँ पहुंचे हैं। इनके पास न खाने के पैसे हैं, न ही काम ठप होने के बाद इनके लिए रोजगार के रास्ते, और न ही सरकारी स्तर पर इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया गया है कि ये अपने घर लौट सके। घंटों रोड जाम किए जाने के बाद बैसी पुलिस ने जब इन्हें समझाया तो वो उस पर भड़क गए। तब जाकर प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें समझाया बुझाया। मजदूरों की स्थिति देखते हुए प्रशासन ने उनके लिए परिवहन व्यवस्था की और उन्हें गंतव्य के लिए भेजा। हम लोग बंगाल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग के साथ में हम लोग घर जाना चाह रहे हैं। मीडिया का रास्ता में छोड़ दिया पिन बॉर्डर उस पार से। हम लोग 3 बजे भोर से लेकर अभी तक हम लोग पैदल चल रहे हैं जी। अभी यहाँ पर आया पानी पीने के लिए तो प्रशासन डंडा लगे रहा है मारने के लिए। हम लोग इतना किलो ध्यान में नहीं आ रहा।